हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई नोटिफिकेशन के साथ। तो आज का जो नोटिफिकेशन आ रखा है वो आ रखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जानेंगे, देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि 2022 के अंदर एग्जाम हुआ है एसएससी जेई का, उसका एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कन्वेंशनल पेपर की, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि सिविल का कितना यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा, मैकेनिकल ब्रांच का क्या कट ऑफ जाने वाला है, रही बात इलेक्ट्रिकल का, उसका कट ऑफ क्या जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है 2022 का, पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई, बिना स्किप किए आपको एग्जैक्टली कट ऑफ जानने का यहाँ पे आपको पूरा मौका मिलेगा। और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, आपको किसी भी बुक का यहाँ पे कुछ भी चाहिए, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एंड आपको कमेंट करना है अपनी ब्रांच को और अपने ट्रेड को कि आपने कौन से ब्रांच में बीबीटेक किया है, आपने कौन से ट्रेड के अंदर आईटीआई किया है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेवेंट लाने की कोशिश करूं और इनडायरेक्टली आपको वहां पे फायदा होगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अब बात करते हैं सीधा पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपके सामने कुछ आरटीआई शो करूंगा जो अभी लगाए गए हैं और जो पहले लगाए गए थे, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी शो करने वाला हूँ कि 2019-20 में क्या कट ऑफ गई थी एसएससी जेई की, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ बताऊंगा, 2020-21 में क्या कट ऑफ गई थी और 2021-22 में क्या कट ऑफ जाने वाली एग्जैक्ट आपको वो देखने का यहाँ पे मौका मिलेगा। पहली बात, यहाँ पे जो आरटी लगाया गया था वो लगाया गया था 5 सितंबर 2022 को। क्वेश्चन क्या था कि पूछा गया था कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के अंदर कितने फॉर्म फिल हुए हैं सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर, तो उन्होंने एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे बताया है कि अप्रॉक्स 6,41,000 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म को फिल किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 1,48,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, अप्रॉक्स एसटी कैटेगरी में 61,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2,72,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 29,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। वहीं अगर बात की जाए यूआर कैटेगरी की तरफ तो यहाँ पे 1,29,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। तो आपके सामने कुछ यहाँ पे डाटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एससी कैटेगरी में यूआर कैटेगरी से ज्यादा बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। वहीं बात की जाए ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप देख सकते हैं 2 times है लगभग यहां पे यूआर कैटेगरी से, मतलब कि यूआर कैटेगरी से ज्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में यहां पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब बात की जाए यहां पे कितने बच्चे अपीयर हुए थे और कितने बच्चे एग्जाम देने गए थे, तो दूसरा आरटीए लगाया गया था जिसमें पूछा गया था कि यहां पे कितने यहां पे फॉर्म अपीयर हुए और एग्जैक्टली कितने बच्चे यहां पे एग्जाम देने गए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने डाटा शो किया था कि लगभग 6 लाख बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए एग्जाम के लिए, जिसमें 45,000 के अप्रॉक्स बच्चे का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम देने गए थे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो डाटा शो किया गया है वो यहाँ पे 3,09,000 के अप्रॉक्स बच्चे यहाँ पे जो आपका एग्जाम देने गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 50% यहाँ पे बच्चे एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1,52,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे सिविल के अंदर एग्जाम देने बच्चे पहुंचे, बाकी जो 1,52,000 के अप्रॉक्स 1.5 लाख बच्चे उसके अंदर वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे बच्चे पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट यहाँ पे कम थी, सिविल के लिए मैक्सिमम सीट थी। टोटल जो सीट थी यहाँ पे एसएससी जेई के अंदर वो 3,000 के अप्रॉक्स आपको सीट देखने को मिलेगी। अब बात की जाए यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि क्या क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जेई 2019-20 जो का पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट की कट ऑफ की बात करेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दे रखा है सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, यूआर की जो कट ऑफ रही थी वो 123 यहाँ पे रही थी और जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ थी 157, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो सीटें होती है वो आपका सिविल के मुकाबले कम होती है। इसमें ओबीसी की कट ऑफ दे रखी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दे रखी है और एससी की कट ऑफ दे रखी है, एसटी की कट ऑफ दे रखी है जो यहां पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020-21 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो यहाँ पे सिविल के अंदर थी 120 थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर कट ऑफ यहाँ पे थी 141 कट ऑफ थी।
अब बात कीजिए मेरे भाई कि अब कितना कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो अगर आपके जो आपके मार्क्स है 120 प्लस बन रहे हैं तो आप कन्वेंशनल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे ईएससी के और गेट के जो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या फिर अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है अप्रॉक्स यहाँ पे, तो अगर आपके जो मार्क्स है 135 प्लस बन रहे हैं, 135 प्लस बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे कन्वेंशनल पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो पेपर लगाएंगे वो ईएससी गेट के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे लगा सकते हैं, आपका पक्का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेरे को बोलेंगे तो आप मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर ईएससी गेट के सारे प्रोवाइड करवा दूंगा, दो नंबर मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इवन मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जनरल से ओबीसी से एससी कैटेगरी जरूर मेंशन करिएगा ताकि हमको पता रहे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे, डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।